आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर रंजना बंसल द्वारा अशोक कॉस्मोस मॉल में आजादी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश सहित उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर आजादी पर विचार व्यक्त किए। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस आज़ादी को दिलाने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण कुर्बान किए थे, बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश के लिए हंसते हंसते ये अपने बलिदान हो गए। मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। हमारी डॉक्टर रंजना बंसल जी द्वारा यहाँ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हर वर्ष होता है, बड़ा आनंद का विषय है। आज हम स्वतंत्रता की 75वां दिन मना रहे हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह कार्यक्रम है और हम सभी लोग मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने में लगे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब देश में हमें उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी याद करना होगा। हर वर्ष 14 अगस्त को यह बड़ी बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जिससे कि आज़ादी कैसे मिली ये भी पूर्ण रूप से हमको जानकारी में मिल सके। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें दिवस की ढेरों शुभकामनाएं बधाई। आज आज़ादी को 74 वर्ष पूरे हो गए और 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने के लिए यहाँ कॉस्मोस मॉल में इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय रंजना बंसल जी इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि समय समय पर वो तमाम कार्यक्रम करती हैं। एक जागृति, एक जागरूकता उनके इन प्रयासों की वजह से आती है। हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आज स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस महत्व को समझने की बहुत जरूरत है कि आज़ादी के मायने क्या है, स्वतंत्रता के मायने क्या है, अधिकार और कर्तव्य के मायने क्या है। इन सारी चीज़ों पर बड़ा आज यहाँ पर विचार विमर्श भी होने वाला है और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस हम मॉल पर झंडारोहण कर मना रहे हैं क्योंकि मेरा ये सोचना है कि कुछ हो ना हो ये जो पर्व हैं वो जरूर 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों पर्व बड़े हर्षोल्लास के संग मनाए जाते हैं, जाने चाहिए, क्योंकि इससे ही एक देश प्रेम की भावना जो कि आज बहुत ज़रूरी है वो सब में जागृत होती है। तो मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत हर्षोल्लास के संग मनाया जाए, तो वही मना रहे हैं सब मिलकर। आज ये डॉक्टर रंजना बंसल ने ये देशभक्ति का प्रोग्राम रखा है, ये उनकी भावना को दर्शाता है। ये भी अपने आप में एक वीरांगना है कि एक विषम परिस्थितियों में होते हुए इतने बड़े एक ग्रुप को चला रही हैं जो अच्छे अच्छे लोगों का हिम्मत नहीं होती है, वो मैडम ने हिम्मत दिखाई है और ऐसे आदमी का सोशल सर्विस और इस तरह के प्रोग्राम भी आयोजित करने की क्षमता हो, मेरे मन से सच्चे वीर यही लोग होते हैं। वो हमारे बीच तो हैं वीर, लेकिन ये लोग ही जो आज की डेट में काम करने वाले, व्यवसाय चलाने वाले और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले, ये भी बहुत बड़े वीर होते हैं।